अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस लाहौर, क्लास वन, सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 11, यूनिट नंबर 3, टॉपिक द प्लांट वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स ऑफ साइंस वर्क बुक्स, पेज नंबर है 12, यूनिट नंबर 3, द प्लांट वर्ल्ड। आज हम द प्लांट वर्ल्ड की वर्क पेजेस करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ प्लांट, यहाँ आप लोगों ने 4 पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। आप प्लांट विद द वीक स्टेम, अ ट्री, अ बश एंड अ फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट बॉक्स में आप ड्रॉ करेंगे आप प्लांट विद द वीक स्टेम, आप यहाँ से गाइड लाइन ले सकते हैं। फिर है आप ड्रॉ करेंगे सेकंड बॉक्स में अ ट्री, थर्ड बॉक्स में आप ड्रॉ करेंगे अ बश और फोर्थ बॉक्स में आप ड्रॉ करेंगे अ फ्लावरिंग प्लांट। आप ये सारी पिक्चर्स ड्रॉ करके इनमें कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। नाउ कम एट द पेज नंबर 13, पार्ट ऑफ अ प्लांट। क्वेश्चन नंबर 1 इज लेबल द पार्ट ऑफ द प्लांट यूजिंग द वर्ड्स बिलो। आप लोगों ने नीचे लाइन में दिए गए वर्ड्स को लेबल करना है फ्लावर्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आएगा फ्लावर, नेक्स्ट बॉक्स में आएगा लीव, थर्ड वन में है स्टेम और एट द एंड रूट्स। इस तरह से आप ये सारे वर्ड्स इन बॉक्सेस में राइट कर लेंगे। पेज नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 2 है, मैच ईच पार्ट ऑफ द प्लांट विद इट्स फंक्शन। फर्स्ट कॉलम में पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैं एंड सेकंड कॉलम में फंक्शन ऑफ प्लांट्स हैं। आपने इन दोनों को मैच करना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है लीफ। लीफ क्या काम करता है? पार्ट दैट मेक्स फूड। लीफ जो है वो प्लांट्स का फूड बनाता है। फिर नंबर 2 पे है फ्लावर। फ्लावर पार्ट दैट मेक्स सीड्स। फ्लावर्स प्लांट में बीज बनाते हैं। नंबर 3 स्टेम। स्टेम क्या काम करता है? पार्ट दैट सपोर्ट्स द प्लांट। स्टेम जो है वो प्लांट को खड़े रहने में मदद करता है। नंबर 4 पे है रूट। पार्ट दैट टेक्स वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। रूट जो है प्लांट्स की वो ज़मीन में से पानी को अब्सॉर्ब करती हैं। स्टूडेंट, इस तरह से आप ये मैचिंग कर लेंगे सारी और इसे अच्छे से लर्न करना है। अब आ जाएं पेज नंबर 14 पे, यूजेस ऑफ प्लांट्स। क्वेश्चन है, प्लांट्स हेल्प अस इन मेनी वेज, जॉइन ईच सेंटेंस बिलो टू सूटेबल पिक्चर ऑन द राइट टू शो व्हाट ईच पर्सन नीड्स। देयर कैन बी मोर देन वन यूज ऑफ फॉर सम आइटम्स। स्टूडेंट्स, एक साइड पे कुछ सेंटेंसेस राइट हैं जिसमें नीड्स हैं कि लोगों को क्या काम करने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए होगी। दूसरे साइड पे लॉग्स, कॉटन प्लांट, वीट और शेडी ट्री, इनकी पिक्चर्स हैं। अब इन सेंटेंसेस को हम इन थिंग्स के साथ मैच करेंगे। सेंटेंस नंबर 1 है, एना इज हंग्री। एना को भूख लगी है तो वो इनमें से कौन सी चीज़ को यूज करेगी? लॉग्स, कॉटन प्लांट, वीट और शेडी ट्री। तो हम एना इज हंग्री को वीट से मैच कर देंगे। सेंटेंस नंबर 2 है, नादिर वांट्स टू लाइट अ फायर।
नादिर आग चलाना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? लॉग्स, कॉटन प्लांट, वीट और शेडी ट्री। आग जलाने के लिए क्या चाहिए होती है? लकड़ियाँ। हम इसे लॉग्स के साथ मैच कर देंगे। सेंटेंस नंबर 3, अलीना इज टायर्ड एंड वॉन्ट टू रेस्ट, शी वॉन्ट्स शेड फ्रॉम द सन। अब अलीना थकी हुई है और उसे रेस्ट करना है शेडी ट्री के नीचे, तो हम इसे किसके साथ मैच करेंगे? और शेडी ट्री। सेंटेंस नंबर 5 है, हमज़ा वॉन्ट्स टू बिल्ड अ कैबिन। हमज़ा कैबिन बिल्ड करना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? लॉग्स, लकड़ियाँ। इसे हम लॉग्स के साथ मैच कर देंगे। सेंटेंस नंबर 6 है, द फिशरमैन वॉन्ट्स टू बिल्ड अ बोट। फिशरमैन एक कश्ती को बिल्ड करना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? उसे भी लकड़ियाँ चाहिए, मीन्स लॉग्स। हम इसको भी लॉग्स के साथ मैच कर देंगे। सेंटेंस नंबर 7, सना वॉन्ट्स टू स्प्रेड अ कम्फर्टेबल शीट ऑन हर बेड। सना अपने बेड पे एक कम्फर्टेबल बेड शीट बिछाना चाहती है तो उसे क्या चाहिए इनमें से? लॉग्स, कॉटन प्लांट, वीट और शेडी ट्री। हम इसे किसके साथ मैच करेंगे? कॉटन प्लांट। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोग ये सारी मैचिंग कर लेंगे और इन पेजेस को अच्छे से लर्न कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।